बहुत बहुत स्वागत आपका रोना देवी जी। थैंक यू सर। आपका बहुत ही हसमुख चेहरा इसे देखते हम सबके चेहरों के ऊपर एक मुस्कान आ गई। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा सौभाग्य जो हम आपके साथ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा है, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम आपकी जैसे थोड़ी ना काम करते हैं, यही सबसे पहले पूछना होगा। आप इसे सब सीखते हैं। 22,000 महिलाओं को उनके जीवन को आपने परिवर्तित कर दिया, कैसे शुरू हुआ और कैसे आपकी सोच आई? वैसे तो हमारे बाड़मेर में 1.5 लाख से ऊपर आर्टिजन है जो ये कसीदाकारी का काम करते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा है ऐसी महिलाएं? जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई और शादी के बाद में घर में आर्थिक रूप से बहुत ही हम कमजोर थे। तभी हमने सोचा कि क्यों ना जो हमने कसीदाकारी का काम सीखा है दादी से, इन्हीं के जरिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे घूंघट पड़ता थी, घर से बाहर निकलना तो नामुमकिन था, लेकिन हमने ठान लिया कि अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर वालों के ताने सुने, फिर बाहर वालों के ताने सुने, लेकिन रुके नहीं हम और हमने कसीदाकारी का काम शुरू किया। कुछ और महिलाएं थी उनको भी मैंने बोला कि अपन साथ में मिलके करेंगे तो लिए। तो हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया 10 महिलाओं ने मिलके और बैग बनाने शुरू किए। लेकिन बैग को स्टिचिंग करने के लिए मशीन भी चाहिए होती है, मशीन के पैसे हमारे पास थे नहीं। तो फिर हमने 100-100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उससे हमने सिलाई का काम शुरू किया। आपके यहाँ घूंघट था और ये प्रथा है, चली आ रही है सदियों से। जब बाहर निकलती थी आप तो किस तरह के ताने पड़ते थे? ये इनकी बहू है, ये बाहर जा रही है, ऐसे हर समाज में ये सुनने को मिलता था कि ये घूंघट में नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन हम घूंघट में ही निकलते और घूंघट में ही काम करते। अच्छा, एकदम से घूंघट नहीं हटाया? घूंघट नहीं हटाया, घूंघट के साथ में ही हमने काम शुरू किया था। फिर जो हम बैग बना रहे थे उनके भी पैसे हमें ज्यादा नहीं मिल रहे थे, क्योंकि 40 रुपए का तो हमारा रॉ मटेरियल लग जाता था और 50 रुपए में हम सेल करते थे। तो भी सोचा कि बहुत कम पैसे आ रहे हैं, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर हमें किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है, आप उनसे जाके मिलिए। फिर हम 2-3 महिलाएं इकट्ठी होके गए, उन्होंने बोला हमारे 10 महिलाओं का एक समूह बना हुआ है, हमें आपसे मदद मांगनी है कि हमें काम मिल जाए। फिर उन्होंने हमें सैंपल्स दिए कि ये आप बना के लेके आइए, फिर देखते हैं। जब हम सैंपल बना के वापस गए तो उन्हें बहुत पसंद आया कि आपने बहुत सुंदर बनाया है, अब हमें आपको ऑर्डर का सामान देते हैं, आप बना के ले आइए। हमें 3 दिन का काम दिया कि आप ये 3 दिन में बना के ले आइए, लेकिन हम नेक्स्ट डे ही चले गए वापस कि हमने पूरा कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला ये तो 3 दिन का काम था, आपने 1 दिन में कैसे कर दिया? लेकिन हम सोए खाते, हमें तो इतनी खुशी हो रही थी कि हमें काम मिला है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको। तो आज मैं आपको बधाई इस बात की दे रहा हूँ कि आज आप हमारे साथ प्रस्तुत यहाँ पर आ पाए, बहुत बहुत बधाई आपको। रुमा देवी जी, आप आज अपने साथ किन किन बुलाए? मेरे पिताजी है। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत राम राम। और साथ में विक्रम सिंह जी है जो हमारे संस्था के सेक्रेटरी है। जी नमस्कार। एक जो मेरी ननंद है, बहन जैसा रिश्ता है, वो भी साथ में है। नमस्ते। बाकी मेरी ताकत है जो मेरे काम को आज यहाँ तक पहुँचाए, सब साथ में आए। देखो संजय, रोमा देवी जी जो भी करते हैं उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाने कई लोग आ जाते हैं। आज इस खेल में भी इनका साथ देने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर आना चाहते हैं। हिंदी फिल्म जगत की बहुत ही सफल, सक्षम और सुंदर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। बहुत ही अच्छा लगता है। बार बार आती रहा कीजिए, कौन रोकता है? आप जितनी बार बुलाएंगे मैं उतनी बार आऊंगी।
देवी और सज्जनों, हमारे पास इस महफिल में एक विशेष अतिथि भी विराजमान हो गए, पूनम सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी की धर्मपत्नी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनम जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। सुनाशी, क्या लगा आपको कि आपको इनके कार्य के साथ जुड़ना चाहिए? मुझे ये शो पर बुलाया गया और कहा गया कि रूमा देवी जी के साथ आना पड़ेगा और उनका प्रोफाइल भेजा, क्या काम उन्होंने किया है। जब मैंने पढ़ा कि मैंने कहा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट मुझे इनके साथ इनकी मदद करने ये शो पर आना ही है जी, और इसीलिए मैं पहुंच गई। हम हैं तो हम उम्र, बट हमारे हालात देखिए ना कितने अलग है। इनको घूंघट के लिए कहा जाता है, लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है, शादी के लिए जल्दी प्रेशर करते हैं माँ बाप। हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और इतनी छोटी चीजें जो हमारी बेटी तो देख रहे हैं, अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ। वैसे मैं तो करना चाह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स प्रेशर नहीं डाल। आपने सुनाक्षी फैशन जी शिक्षा प्राप्त की हुई है? जी जी, कहाँ पर? SNDT कॉलेज मुंबई से। एंड ये भी एक कारण है कि मैं यहाँ पर आई, क्योंकि ये जो कार्य कर रही है और लोगों को जो और वो हेल्प कर रही है एम्ब्रॉयडरी में, ये सब मैंने भी सीखा हुआ है। तो रुमा जी, जो आप पदार्थ बनाती हैं, पहले तो आप कढ़ाई का काम करती थी, फिर उसके बाद आपने कहा बैग बनाना शुरू किया, उसके आगे भी कुछ आपने बढ़ाया, किस तरह का पदार्थ बन रहा है? जी, हमने जब शुरू किया था तब हम सिर्फ बेड और कुशन कवर और कर्टन ही बना रहे थे जी। लेकिन बेड और हर कोई खरीदेगा तो एक बार खरीदेगा, दो बार खरीदेगा, लेकिन बार बार नहीं खरीदेगा। हमें लगा कि क्यों ना अपन पहनने के लिए कपड़े बनाते हैं, वो तो लोग बार बार खरीदते हैं। इसीलिए हमने उसमें थोड़ा सा नयापन लाए और कॉटन के दुपट्टे और कुर्ते बनाने शुरू किए। हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद में हम अभी फैब्रिक सेल्स करते हैं, तब हमने सिल्क फैब्रिक को यूज करना शुरू किया। कसर सिल्क, मूंगा, मटका, संदेरी, सब में हमने साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे बनाए। फिर हमने सोचा अब इनको देखेगा कौन, तब हमने सोचा एक क्यों ना फैशन शो किया जाए। लेकिन फैशन शो होता है क्या, नहीं पता था। फिर हमें पता चला कि राजस्थान में बड़ा फैशन शो हो रहा है, उसमें जाके ट्राई करते हैं। तो उनको हमने बोला कि हम फैशन शो करना चाह रहे हैं। हमें बोला कि आप यहाँ पे तो बड़े डिजाइनरों का फैशन शो हो रहा है, आप कहाँ फैशन शो करवाओगे? लेकिन हमने बोला हमें एक बार मौका दे के देखिए, हम भी कोशिश करेंगे। फिर हमें वहाँ पे मौका मिला, लेकिन अब कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है, कैसे बनाएंगे कपड़े वो भी नहीं पता था। किसी और से हेल्प मांगी जो अच्छे खासे डिजाइनर है, तो उन्होंने बोला आपका लेवल फैशन शो करने का नहीं है, आपका फील्ड का लेवल है, आप वहीं करिए, यही काम करिए। फिर हमें लगा नहीं, अब खुद को ही कुछ करना होगा। बैठ गए लेके कुछ नेट से ढूंढा, कुछ कहीं से ढूंढा, ऐसे करके हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिए। फैशन शो का टाइम आ गया, अब हमारा ये भी टाइम आ गया कि अब रैंप पे चलेंगे। दिल धड़क रहा था। ये रैंप पे चलना एक अपने आप में कला है, कैसे किया आपने ऐसा रोना जी? मैंने तो सर मॉडल्स को देख के ही किया, मुझे किसी ने रिहर्सल भी नहीं करवाया। एक ही बार हुआ है ये आपके जीवन में या कई बार आप गए हैं रैंप पे? रैंप वॉक पे तो हम कई बार गए हैं, और मेरे आर्टिजन भी रैंप वॉक किया है मॉडल्स के साथ में। अच्छा, जिन्होंने कभी बाढ़ में सहारा नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने रैंप वॉक किया है। वाह वाह, क्या बात है। ये जितने भी आप पदार्थ बनाते हैं, ये कैसे जाता है यहाँ? क्योंकि बड़े बड़े फैशन डिजाइनर होते होंगे जो तय करते होंगे कि हमें ये कपड़ा चाहिए या ये डिजाइन चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ से कपड़ा खरीदना होता है वहाँ जाके कपड़े खरीदते हैं, फिर उसको कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है वो भी करते हैं। अब कौन सी थीम जाएगी, कौन सा कलर जाएगा, जैसे आप राजस्थान आए थे एक दिन में आपने 3 ड्रेस चेंज की थी। जयपुर गए तो आपके पिंक पहना हुआ था, और जोधपुर गए तो आपको ब्लू पहना हुआ था, और उदयपुर गए तो आपने व्हाइट पहना था। तो क्योंकि हमें भी तो फैशन पहना था, जो कैसे लोग कलर यूज करते हैं। क्या बात है, अपडेटेड। तो वो बताते हैं आपको कि हमको इस तरह का डिजाइन चाहिए, या वो बताते हैं कि इस तरह का ये कपड़ा? डिजाइन तो हमारा ही होता है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइन कैसे होता है वो थोड़ा सा बताते हैं आपको, फिर उसके अनुसार आप कढ़ाई करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो है, जैसे उसकी कटाई वगैरह है, वो सब वो करते हैं? नहीं, हम पूरा स्टिचिंग करके पूरा रेडी करके देते हैं, टैग वैग लगा के पूरा एकदम पैकिंग। जी जी जी, बहुत खूब। ओके,
हमको कहाँ मिलेगा ये? जी ये अभी तो हमारा जयपुर में एक हमने छोटा सा सेंटर खोल रखा है जी, उसका आता पता हमको दीजिए, हम भी खरीदेंगे उसको। बिल्कुल।